वेलकम बैक गाइस, पूरा 250 किलो स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई पालवर्ड की गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, ये है हमारा बेस और हमने जो है पिछले एपिसोड में कुछ पाल की ब्रीडिंग कराई थी, जिनसे मुझे अंडे मिले थे बहुत बड़े बड़े। और एक अंडा ये रहा भाई, फिर से निकल कर आ गया है। अगर मेरे पास और केक हो जाए तो मैं और भी अंडे यहाँ से निकाल लूँ। फिलहाल जो है हमने पिछले एपिसोड में ना कुछ अंडे रखे थे, तो मैं अभी देख लेता हूँ भाई उस अंडे में से क्या निकलेगा। तो यहाँ पर एक केक और आ गया है, तो मैं ये भी रख देता हूँ। और आज हम किसी एक बड़े से पाल को पकड़ने के लिए भी जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे अंडे हैं भाई, मैंने पिछले एपिसोड में ना अंडे चुराए थे यार, तो ये वाला तो ले लेते हैं हम। वैसे थोड़ा हैवी हो गया है ये, तो यहाँ पर बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं लेकिन अभी तक ये निकले नहीं है। तो जब तक हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे ना भाई, सभी के सभी अंडे कंप्लीट हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि इनमें क्या निकलेगा। फिलहाल इसमें तो कुछ अच्छी चीज़ नहीं निकली है, तो मैं इसमें ये वाला ही एग रख देता हूँ और तब तक ये भी निकल जाएंगे। बाकी मुझे ना ये चीज़ें और भी बनानी पड़ेगी भाई, जिससे कि मैं ज़्यादा अंडे निकाल सकूँ। देखेंगे यार, ये मुझे यहीं कहीं बनानी पड़ेगी, या फिर इस जगह पे बनाते हैं या फिर इसके ऊपर बनाते हैं। लेकिन अगर ये कवर होना तो और ज़्यादा अच्छा रहता है भाई, फिर जो है गर्मी रहती है ना तो और भी जल्दी स्पीड से निकलते हैं ये। तो अभी मैं एक काम करता हूँ भाई, मेरे पास ना ये चीज़ है, ये बोल रहे कि अगर मैं इसे ना किसी को सेल करता हूँ तो ये हाई प्राइस में सेल होंगे, और मैंने आज तक भाई कभी भी ये चीज़ें सेल नहीं की है। तो मेरे पास ये जो है अभी मेरी इन्वेंट्री में, मैं इसे सेल करके आ जाता हूँ। वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मेरे पास बहुत सारे रूबी डायमंड है जिनको मुझे सेल करना है, लेकिन अभी तक मैंने वो चीज़ें सेल नहीं की क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई यहाँ कभी। तो मैं इसको कर देता हूँ भैया सेल और ये देखते हैं कितने बिकेगी भाई। कुछ ज़्यादा नहीं है यार, बस 1000 गोल्ड दे रहे हैं मुझे दो के। ठीक है यार, सेल कर देता हूँ। ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ इसका, तो ज़्यादा में तो नहीं बिका है लेकिन ठीक ठाक ही था। तो अभी हम जो है यहाँ पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक जो है फास्ट उड़ने वाला पोकेमोन है। पहले भी मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे वो मिला नहीं था, तो आज ट्राई करते हैं। अगर आज मुझे वो उड़ता हुआ दिखा तो हम जो है उसको पकड़ने की पूरी 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 कोशिश करेंगे भाई। भाई मैं इस लोकेशन पे ना आ तो गया हूँ पर मुझे अभी तक भी ये कहीं भी नहीं दिखा है यार। ये मेरे साथ हमेशा मोए मोए क्यों करते हैं, या फिर इसके अंदर रहता है वो कहीं। भाई इसके अंदर भी जाने का कुछ नहीं है और ना मुझे यहाँ कहीं दिखता। भाई मुझे यहाँ से ना ये वाला पाल चाहिए और ये जो है यहीं पर शो हो रहा है यार कि यहीं पर दिखेगा, लेकिन पता नहीं यार मुझे क्यों दिखता ही नहीं यार ये, ना दिन में दिखता है ना मुझे रात में दिखता है। तो आज फिर से निकल लेते हैं भाई यहाँ से, मुझे नहीं मिला ये। भाई यहाँ से ना दो ये तो जा रहे हैं, क्यों ना मैं आज इनसे ही पंगा ले लेता हूँ भाई, फिर इनको जो है कंबाइन करके मैं इनका थोड़ा लेवल बढ़ा दूंगा। ये रेड वाले से ही पकड़ा जाएगा 35 और 33 लेवल वाला। भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ओ भाई उससे ही लड़ लो ना तुम। गया मैं, बच गया। आजा 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 चचा, आजा मेरे से लड़ाई करेगा, तू इतनी हिम्मत रखता है। भाई ये दोनों का भाईचारा हो गया क्या, ये अच्छे से लड़ क्यों नहीं रहे। मैं यहाँ ये निकालता हूँ, ये देखता हूँ ये कैसे बैंड बजाएगा, यानी कि इसका लेवल भी ज्यादा है भाई। ऐसे मारना भाई इनको, ऐसे ही मार, ऐसे ही मार। भाई इसने तो आते ही हेल्थ की बैंड बजा दी इनकी। यही तो चाहिए था। ये खत्म है भाई अब। ओ भाई लगने ही वाला था, मार दिया इसने भाई। ये तो बड़ा ही ताकतवर है यार, इसकी तो थोड़ी सी हेल्थ गई है बस। मैं इसके ऊपर बैठने का भी बना दूंगा यार फिर तो, अगर ये इतना ही ताकतवर है। मेरा शायद ये अनलॉक भी होगा, मैं इसके ऊपर बैठकर राइड कर सकता हूँ मे भी। ये रहा भाई, ये दूसरे, ये इसके ही बिरादरी के है। वैसे तो इन जैसी शक्ल है इनकी, इसकी भी इस जैसी है लेकिन ये थोड़ा अलग है भाई इनसे, इसकी बिरादरी अलग है भाई थोड़ी सी, पर दिखता थोड़ा थोड़ा ये इन जैसा ही है भाई। ये कहीं नीचे जा, ये रहा भाई इसका लेवल ज़्यादा ना, इसलिए ये 45 लेवल पे ही अनलॉक होगा। खैर कोई नहीं, मुझे बढ़िया चीज़ लगी भाई ये, फाइट लेने के लिए बढ़िया है।
भाई एक ये और घूम रहा है, चलो इससे भी फाइट ले लेते हैं। अब मेरे पास जो ये है ना भाई, इसकी वैसे भी पावर ज्यादा है, तो मैं इसको, मुझे लगता है मैं इजिली इसको पकड़ लूंगा। इसका लेवल क्या है? ओ भाई 39 है ये, तो इससे पकड़ा जाएगा अल्ट्रा स्पेयर से। पर ये डैमेज बहुत ज्यादा देता है यार, इसकी हेल्प से देख रहे हो मैं 49 वाले को भी कितना जल्दी पकड़ सकता हूँ यार। ये खत्म होने वाला है अभी, पहले इसको मारने में ना, इसको मारने में भाई सच में बैंड बजती थी, और अब देखो। अरे भाई इसने तो इसकी हेल्थ की बैंड बजा दी सही में। तो इस गेम में है ही यही भाई, आप पहले छोटे पाल पकड़ो, फिर बड़े, तब जाकर आप ऐसे ऐसे पाल को अच्छे से पकड़ पाओगे। जब मैंने स्टार्टिंग में इस पाल को पकड़ने के लिए आया था ना भाई, 5-10 मिनट लग गई थी इसको पकड़ने में, फिर भी नहीं पकड़ा गया था ये। और आज देखो भाई कितना इजीली पकड़ लिया यार, मैंने इसको सोचा ही नहीं था यार। तो मेरे पास ये भी नहीं है, अब तो मैं इस मोटे गेंडे की लड़ाई करा दूंगा और इनको पकड़ूंगा भाई। इससे मेरा लेवल भी तो बढ़ेगा यार, बढ़िया है ना, लेवल बढ़ेगा तभी तो फिर मैं बड़ो बड़ो वो पकड़ूंगा ना। थोड़ा सा डैमेज और दे दे बस, एक बार और मार दे भाई इसको, ये तो खत्म है इसका, इसकी तो कहानी खत्म हो गई ये समझ ले। अरे मार ही दिया तूने तो ये, सही में यार ये खतरनाक चीज पाल रखी है यार मैंने, मतलब मेरा नमक तो खाता है ये, पाल रखी है। क्या बोल रहा था यार मैं, मेरी जीभ लपलपा गई, सॉरी भाई। मार दे भाई एक बार और इसको, बस बस बस, अब और नहीं और नहीं और नहीं। अरे रुक जा चचा, पकड़ा जाएगा क्या ये इससे? 8% आया हुआ था भाई इसको ना, मुझे ही पकड़ना पड़ेगा और इससे बचकर भी रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा फ्री में वैसे, जबकि मैं इसको पकड़ने ही वाला हूँ। बस भाई अब 10% हो गया था, अगर पकड़ा जाए तो बढ़िया, अगर मैंने कोई पाल निकालना ना तो उसके इसको मार देगा भाई वो। भाई 11% हो गया था यार, काश ये पकड़ा जाए। ओ भाई फाइनली पकड़ा गया, और देख रहे हो इनका लेवल ऐसे ही बढ़ता है मेरे सभी के सभी पाल का, तो ऐसे ही यही करना पड़ेगा यार मुझे फिलहाल। तो अभी मैं एक काम कर लेता हूँ, कुछ खाने की चीजें तो है भाई मेरे पास, कुछ और नहीं है खाने का, चलो हो जाएगी यार इसकी हेल्थ ऐसे ही पूरी। भाई फिर हम एक काम करते हैं, जिन पाल को मैं पहले नहीं पकड़ पाया था ना, उनको आज हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, जो ये वाला पाल मैंने पकड़ा हुआ ना, एक ऐसा ही पाल और पकड़ लेते हैं, बार देख लेते हैं कहाँ मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसे ऐसे पाल मेरे पास 5 हुए ना, तो मैं किसी एक बड़े को पकड़ पाऊंगा फाइट करने के लिए, मैं इसको ही ले जाऊंगा फिर, मतलब 5 ये ढूंढ लूं मैं, और ऐसे ऐसे पाल को ही घुसा दूं भाई ले जाकर किसी बड़े से उसके आगे। तो मुझे लगता है ये मुझे ना कोई अच्छा सा पाल पकड़ने मेरी हेल्प कर देंगे भाई। उससे पहले जो है मेरी लड़ाई हो गई है इनसे, अब मुझे ये पकड़ने पड़ेंगे भाई। बढ़िया, इन दोनों को और ले जाऊंगा पकड़ के, बस एक बार और अटैक कर दे भाई फिर ये तो खत्म, पैसा जम। और भाई इसने तो हमारी और निकाल दी, गया ये तो, ये भी गया शायद। पकड़े जाओ यार भाई, एक तो पकड़ा गया। अरे यार ये मरेगा, ये मरेगा भाई, अगर इसने की बारी इसको डैमेज दिया ना तो ये गया। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पाल निकालता हूँ, ये शायद कम डैमेज ही देगा इसे। मार देना चचा। ओ इसके पास ये कौन सी पावर है? ओ भाई इसके पास भी खतरनाक पावर है, मार दिया क्या इसने? अरे यार मार दिया बेचारा। भाई मेरे ये छोटे छोटे पाल भी कितने खतरनाक हो गए हैं यार, तो मुझे भी जाना है यहाँ। उससे पहले एक काम करता हूँ भाई, मैं सो जाता हूँ और नाइट को कर देते हैं स्किप। और कुछ अंडे भी निकल गए हैं, इनमें से भी देख कर चलेंगे क्या निकला है, फिर दूसरा अंडा रख दूंगा भाई। ये वाला बड़ा अंडा था, इसमें से कुछ अच्छी चीज निकलेगी। अरे भाई फाइनली अपनी वो चीज निकल गई है यार, तो मैंने इनकी ब्रीडिंग कराई थी इस पाल के लिए, इसके लिए, और फाइनली अपना ये निकल गया यार। मैं सोच रहा था कि इसको पकड़ेंगे वहां, लेकिन ये पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन फाइनली चलो यार बढ़िया है, अपना ये एग में से निकल गया। अब तो मैं और भी इनकी जो है भैया ब्रीडिंग कराऊंगा, 10-15 निकाल लूंगा भाई। ये इनकी स्पीड सही में बहुत ज्यादा है यार,
सही है यार, बढ़िया चीज निकल गई। अभी इन अंडों में से भी शायद वही चीज निकल सकती है कुछ अंडों में से। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आप सभी को भी, फाइनली हमारे पास पाल वर्ल्ड का सेकंड ऐसा पोकेमोन हो गया है जो मतलब सेकंड नंबर पे बहुत ज्यादा फास्ट है उड़ने में। पर अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, अगर इसको लूंगा ना मैं तो इसका लेवल बहुत छोटा है। वैसे अभी हमारा एग से ये तो निकल गया है, मैं एक काम करता हूँ इसको अनलॉक भी कर लेता हूँ ताकि हम फिर इस पर उड़ भी पाए। तो इसके लिए मुझे क्लोथ और लेदर चाहिए भाई, तो ये चीज़ मुझे ढूंढनी पड़ेगी और क्लोथ बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर भी उड़ पाऊंगा। वैसे जिसको नहीं पता कि भाई ये वाले एग और ये वाला पाल जो है किनकी ब्रीडिंग कराने से आता है, तो भैया ये अनुबीज रहा और ये रहा भाई, तो इन दोनों की ब्रीडिंग कराने से ये वाला एग में निकलता है जिसमें से ये निकल जाएगा। और ये जो बहुत फास्ट है भाई उड़ने में, जो मेरे पास ये वाला है ना भाई, इससे भी ज़्यादा फास्ट है ये उड़ने में। बस मैं इसको भी इसलिए ले रहा क्योंकि इसका लेवल अच्छा नहीं है, तो फाइट के टाइम ये काम नहीं आएगा मेरे बिल्कुल भी। ऊपर से हेल्थ भी इसकी बहुत कम है, जल्दी मारा जाएगा ये। तो अभी जो है हम फिर से निकल लेते हैं भाई सामने की तरफ, वहां पर जो है बहुत खतरनाक खतरनाक पाल है और मुझे वही पकड़ कर लेकर आना भाई। मैंने एक ही पकड़ा था अभी बहुत ज्यादा मुश्किल से, लेकिन अब की बार भाई मुझे उम्मीद है कि हम इजिली पकड़ पाएंगे उसे। ऐसे ऐसे तो भैया मैं और भी पकड़ूंगा भाई, इतने खतरनाक खतरनाक पाल, ये कैसे टक गया यहाँ भाई। बस उम्मीद करता हूँ यार अब की बार ना कोई एक तो पकड़ा जाए। जब मैं पिछली बार यहाँ पर आया था ना तो मेरे पर इन्होंने ठोक दिया था भैया केस, और मेरे पीछे इन्होंने ये लगा दी थी भाई, ये पुलिस जो यहाँ की जो भी है, ये जहाँ भी जा रहा था ना मैं बहुत गंदा मार रहे थे मुझे। और मुझे भी यहाँ पर ये मिला यार फ्रूट, लेकिन इसकी पावर 80 है। मतलब अगर मेरे किसी पाल के पास ये चीज़ नहीं हुई ना तो मैं उसको 80 वाली दे सकता, जैसे इसके पास 40 है ना 80 वाली दे दूंगा ना तो ये खतरनाक हो जाएगा भाई। और इसके पास 80 वाली तो है इसके पास, तो इसमें से भैया ये इसके पास भी है, ये तो इसके पास है, इसके पास भी है भाई, अनुबिस के पास भी है, बस इसी के पास नहीं है भाई। अगर मैं इसको दे दूं ना एक तो ये और खतरनाक हो जाएगा। चलो बाद में देखते हैं, मुझे खैर एक पावर तो मिली। ये रहा भाई, मुझे यही तो पकड़ना है, लेकिन इसका 43 लेवल है, देखा जाएगा भाई अब जो होगा। ये बहुत गंदा मारेगा, उसको निकाल लेता हूँ इससे, इसकी ना इन दोनों भाइयों की लड़ाई करवाता हूँ मैं। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे भाई, लड़ो लड़ो आपस में, मरो फिर मैं तुम्हें पकड़ूंगा। यही चाल अंग्रेजों ने चली थी भाई, इंडिया वाले आपस में लड़ा दिए थे फिर कब्जा कर लिया भाई हमारे देश पर। मैं इनको आपस में लड़ा दूंगा फिर इन पर कब्जा कर लूंगा। क्या हो गया, याद आ गया क्या इसको कि इसी का भाई है। थोड़ा सा और डैमेज हो जाए ना फिर मैं पकड़ लूंगा, 4% हो गया ये भाई। बैंड बजा दिया यार शील्ड की, मैं हट जाता ना बढ़िया था। पकड़ा जाएगा क्या, मेरा एक अल्ट्रा स्पेयर वेस्ट हो जाएगा अगर ये नहीं पकड़ा गया। पकड़ा जाएगा भाई, अरे भाई धन्य हो गया भाई, एक और पकड़ा गया, बाकी शायद हमारे अंडे में से निकले थे, तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा पकड़ लिया यार। और भी है मतलब मेरे पास ये, पर वही है यार वो ना अंडे में से निकले हुए तो उनकी लेवल नहीं है इतनी ज्यादा, मुझे यही पकड़ने पड़ेंगे। अगर और मिल गए ना तो उसे ही पकड़ कर निकलेंगे। वैसे इस साइड एक और था भाई पाल खतरनाक थोड़ा, ये रहा भाई, ये दोनों से पंगा नहीं लूंगा, ये अकेला आ जाए ना एक बार खोपचे में, इसको मैं बताता हूँ इसका लेवल क्या। अरे भाई 44 है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, पकड़ लूंगा बस एक एक करके आ जाए। अगर दोनों आ गए ना ये साथ में फिर, और ये क्या मिला मुझे पेंडेंट भाई, ये भी खतरनाक। ओ मुझे अब निकालना पड़ेगा भाई, अब यहां पर युद्ध होने वाला है। ये इसकी तो टांगे कुछ ज्यादा चल रही है। ओ चचा तू मेरे बेस में ना, अब देखना कैसे सामान यहां वहां रखने के लिए काम आएगा, कहां इतना हीरो बन रहा है। अरे यार ये तो वर्क भी नहीं गया इस पे भाई, भाग गया वो, थोड़ा और डैमेज होना चाहिए। मारा गया,
भाई वो मारा गया और ये हो गया गुस्सा। मैं एक काम करता हूँ, ये निकाल लेता हूँ, अभी मुझे ये वाला निकालना पड़ेगा भाई। वो थोड़ा सा ना डैमेज हो गया, तो खाना खा लेगा, तब तक थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। हाय आ गया मुझे। लोमड़ी लोमड़ी बंदा मार। भाई यही वाली तो पावर चाहिए अभी इसमें बहुत ज्यादा। कर 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 पावर यूज कर भाई, मुझे यही करनी है, मुझे इसके साथ ना चीटिंग करनी है। जब भी ये पावर यूज करेगा कोई, मैं इसे उठा लूंगा, इसको डैमेज ही ना होने दूं मैं। आजा 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 मेरे पास आजा, ऐसे थोड़ा ना डैमेज होने दूंगा तुझे। अरे जल्दी मार, ये वाली पावर तू मार देना भाई। मेरा नमक खाता है, क्यों खाता है मेरा नमक? आगे से मत खाना, मार जल्दी से। ओ ये मैं कहाँ फंस गया, मेरे तो अल्ट्रा स्पेयर ही खत्म हो गए। ये तो मोए मोए हो गया भाई मेरे साथ। अब मुझे या तो ये मारना पड़ेगा। भाई अगर ये इससे पकड़ा जाए तो बढ़िया है, नहीं तो मैं गया। थोड़ा सा और डैमेज कर देना ये इसे तो बढ़िया है, या तो भी ये मरेगा। अरे मारा गया यार, ये दूसरा निकाल लेता भाई, मैंने फालतू में मरवा दिया बेचारे को। सी यार मैं कितना घटिया बंदा हूँ भाई। अब मरेगा ये, अब तो ये गया भाई। पकड़ तो देखो, मैं इसे वैसे भी नहीं पाऊंगा कि मेरे मेरे अल्ट्रा स्पेयर खत्म हो गए हैं। अगर ये पकड़ा जाए तो बढ़िया यार, पकड़ा जा भाई। भाई अब की बार उम्मीद है मुझे पकड़ा। ओ भाई फाइनली पकड़ा गया, ये अभी तक मैंने ना एक भी नहीं पकड़ा था यार। तो चलो अभी निकल लेते हैं यार, हमने एक बड़ा सा और नया पाल पकड़ लिया है फाइनली। और मैंने अपनी लोमड़ी की बलि चढ़ा दी भाई, तो उसे भी जिंदा करना है अब जाके। भाई मुझे आज जो है अपनी कैप्चर पावर बढ़ाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा मिल गए हैं, तीन तो यहाँ पर, और बहुत सारे मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। तो शायद मेरी अब जो है कैप्चर पावर मैक्स हो जाएगी, मुझे बस 10 की ही ज़रूरत थी लेवल 10 करने में ही। भाई यहाँ पर जो है हमारे 7 केक बनकर रेडी हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है भाई, उसने 7 7 केक बना दिया है। अब ये रख देता हूँ, 7 और एग निकाल कर दे देंगे मुझे ये, बस ये और एग बनाने में लगा रहे ना, तो बढ़िया है भाई। बहुत सारे अंडे तो निकल गए हैं, शायद 2 अंडे बचे हैं बस। और लो भाई इसमें से भी हमारा वही निकल गया है, अभी मैं ये बहुत सारे इकट्ठा कर लूँगा भाई। अगले एपिसोड में ना हम पक्का ये जो है उठा के कहीं और रख देंगे, और भी बहुत ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि यार ये ना बहुत कम है, अंडे बहुत कम निकलते हैं, सिर्फ 6 अंडे निकल पाते हैं एक एपिसोड में मुश्किल से। तो हम ये भी ज़्यादा ही बढ़ाएंगे, तो इस वाले एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने पकड़ा था भाई ये किस काम का है। ओ भाई इसका फायर लेवल 4 है भाई, ये फाइट लेने में बहुत काम आएगा यार। 39 लेवल है, 41 लेवल है इसका। अगर मैं अपने पास रखता हूँ इसे, तो इसका लेवल रहेगा 39। तगड़ा है भाई ये तो, सही है यार। अटैक भी बढ़िया है यार इसका, अनुबिस का भी अच्छा है, लेकिन इसका भी अच्छा है यार, 516। बस इसकी थोड़ी हेल्थ जो है मुझे वो कम लगी, लेकिन इनसे वो ज़्यादा, ये इसकी सबसे ज़्यादा हेल्थ है, इसकी भी बढ़िया हेल्थ है यार, 3817, 437 का डैमेज इसका, 500 इसका। भाई ये लोमड़ी से खतरनाक पड़ता है, 180 150 150 भाई, बढ़िया है यार ये भी।
मुझे ले जाना चाहिए यार ये अपने साथ फाइट के लिए, काम आएगा ये बहुत ज्यादा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पर रहने देता हूँ अपनी इस लोमड़ी को। वैसे इसको मैंने पावर तो बहुत अच्छी अच्छी दी हुई है, लेकिन मैं अब की बार ना इसको ले जाऊंगा साथ। इसका डैमेज भी इससे ज्यादा है और हेल्थ भी इसकी इससे ज्यादा है। सही है भाई, इसको यूज करके देखेंगे। अगर हम इसके ऊपर भी राइड कर पाए ना तो अगले एपिसोड में हम वो भी चीज़ बना लेंगे भाई। इसके ऊपर राइड कर सकते हैं, लेकिन ये 43 लेवल पे ही अनलॉक होगा भाई। जो मेरे पास ये वाला है ना, इसकी ना और भी ज़्यादा हेल्थ हो जाएगी और डैमेज भी बढ़ जाएगा इसका थोड़ा, अगर मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ तो। ये मेरे एग में से निकले थे, इनको ही कंबाइन कर देता हूँ। मतलब कि एग ब्रीडिंग करानी इनकी भाई, बढ़िया यार। इनकी ब्रीडिंग कराओ, फिर एक को मैक्स कर दो, पहले एक को मैक्स करो, फिर उससे अगले वाले को मैक्स करो। इस तरह से करना पड़ेगा यार, बढ़िया रहेगा।